तो उधर ही से जो रास्ता है वहीं से जाना, और नीचे यहाँ पर किसी ने गागरी लगाई है, ऑसम जगह है, आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। क्या कर रहा है नोनू? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डायरी 02 व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? हम लोग बढ़िया हैं, होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं पास के ही एक शिवालय में, जो कि है सुरखाल और किमटा गांव के बीच में। और ये जो शिवालय है इसका नाम है जोगी जाट, और ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बस यहाँ के आसपास के गांव के ही लोग इस शिवालय के बारे में जानते होंगे। सो हम लोगों ने सोचा कि आज यहाँ जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है खराब है, बारिश भी बताई है आज, और ठंड भी बहुत है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ होके आए, क्योंकि ये महीना भी है वो माघ का है, और शिवालय यानी मंदिरों में जाना शुभ माना जाता है इस महीने में। सो हम लोग जाएंगे आज जोगी जाट, और आप लोगों को भी दिखाएंगे शिवालय। सो आप लोग व्लॉग में बने रहें। ये जो मंदिर है इसके बारे में मुझे पता है, माही को पता नहीं है, क्योंकि वो पहले आए नहीं है। तो आज की गाइड जो है वो मैं हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है, और मैं ही मंदिर उनको लेके जाऊंगी, रास्ता भी उनको पता नहीं है। मैं अभी अभी नहा धो के आया हूँ छत में, मौसम दिखाने के लिए। बहुत ज्यादा ठंड है आज। स्नेहा जहाँ पर आज मुझे लेके जा रही है, पहले मैं नहीं गया हूँ वहाँ, उसको आइडिया है उधर का, मैं गया नहीं हूँ। और नाश्ता वगैरह करके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे शिव जी का स्थान माना जाता है उसको, तो इसलिए बिना नाश्ता करे जाएंगे। तो अभी मैं भी हो लेता हूँ रेडी, फिर निकलते हैं। स्नेहा एकदम रेडी हो गई है, चलते हैं। नोनू क्या कर रहा है? नोनू क्यों? गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी। आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैंने पहन लिया टोपी, और थोड़ा टाइम लगेगा आज जाने में, क्योंकि नोनू को बहुत ज्यादा जिद करती है नोनू हमारे साथ आने के लिए, तो वो रोने लग जाती है। तो देखते हैं, उसको मनाना पड़ेगा पहले। नोनू तू भी आएगा? तू भी आएगा? आएगा? तू भी आएगा? सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं घर से, और मोटू भी आ रहा है नीचे तक हमें छोड़ने, उसके बाद ही आ जाएगा ऊपर को। हम लोग निकल चुके हैं घर से, और नोनू को बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा मनाया, और उसको उसका ध्यान भटकाया, तभी हम लोग आ पाए, नहीं तो बेचारी बहुत रोने लग जाती है। अभी थोड़ी देर में जब उसको पता चलेगा कि ये लोग चले गए हैं, तब भी वो रोएगी, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी आने की हम लोग। ये है सुरखाल का फील्ड, और यहाँ पहले मैच होते थे बहुत सारे, आजकल पता नहीं इधर मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। पहले यहाँ काफी सारे मैच होते थे, काफी जगहों की टीमें आती थी इधर खेलने। ठंड का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं स्नेहा को देख कर, क्योंकि इसने सॉल वॉल से पूरा मुंह ढक लिया है अब, और कान में इतनी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे, बाप रे बहुत ठंड है। थोड़ी देर में बारिश ना आ जाए, बारिश आ गई तो हो गया, पूरा काम तमाम हो जाएगा। और ज़्यादा दूर नहीं जाना है हम लोगों ने, लेकिन जाना तब भी बाइक से ही पड़ेगा, क्योंकि पैदल भी बहुत हो जाएगा, इसलिए बाइक से ही जाएंगे। रोड में पहुँचने के बाद अगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि उसका ऑयल बिल्कुल जम गया होगा, और बैटरी एकदम डिस्चार्ज, क्योंकि दो दिन से बाइक चलाई भी नहीं है, और देखते हैं कोशिश करते हैं उसको चलाने के लिए। वहां पर है बाइक, कार दिख रही है यहां से, स्नेहा पहुंच गई आगे। हम लोग रोड में तो पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश के छींटे आ रहे हैं। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है,
और इसका ऑयल जम गया होगा, तो इसलिए अब इसका स्टार्ट होना भी मुश्किल है। सो फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है, अब हम लोग को निकलना चाहिए क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो रही है। मौसम का हाल तो आप देख ही पा रहे होंगे, ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गई है, धीमी धीमी सी बारिश लग रही है, छींटे बढ़ रहे हैं। अगर बारिश बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुरखाल वाला रास्ता ये ऊपर को जा रहा है, ये सुरखाल वाला रास्ता है सुरखाल गांव को, और हम लोग जा रहे हैं नीचे रोड में। ये रोड है सुनियोड़ा वाली, खिरमांडे वाली, इसमें ही है जोगी जाट। ये नीचे भी जो घर दिखाई दे रहे हैं ये भी सुरखाल गांव में ही आते हैं, और जो ऊपर के घर दिखाई दे रहे हैं वो भी सुरखाल गांव में ही आते हैं। ये सब जो घर दिखाई दे रहे हैं और वहां पर भी, और ये जो सारे घर दिखाई दे रहे हैं ये सुरखाल है, और वो घर जो दिखाई दे रहे हैं सामने उस साइड में वो है किमटा। किमटा और सुरखाल के बीच में ही पड़ता है ये शिवालय जहाँ हम जा रहे हैं आज। यहाँ से स्टार्ट हो गया है किमटा और आगे तक किमटा ही है, और अब सुरखाल यहाँ पर खत्म हो गया है, किमटा शुरू हो गया है यहाँ से। यहाँ पर हम लगा देंगे बाइक को, पार्क कर देंगे, और ये ऊपर को जो रास्ता जा रहा है यहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वो सामने पे दिखाई दे रहा है, वहीं पर है, ज्यादा दूर नहीं है। सो अभी निकलते हैं हम लोग, लेकिन पहले यहाँ से बैल वेल आ रहे हैं, इनको आने देते हैं पहले। ये है रास्ता जोगी जाट जाने के लिए। अभी जा रहे हैं हम पैदल रास्ते में, जो कि थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है। गाय बच्चियां भी घर को चले गई, अब बारिश हम फंसने वाले हैं शायद, बट कोई नहीं, यहाँ तक आए हैं तो जाएंगे भी। यहाँ पर कुछ लोगों ने आग वाग भी जलाई थी, सेकने का भी मन हो रहा था, लेकिन हम हो जाएंगे लेट, इसलिए पहले जोगी जाट जाके आएंगे, उसके बाद देखते हैं मौसम कैसा रहता है। अभी के हिसाब से तो रास्ता आप देख सकते हैं पूरा झाड़ियों वाला है, चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं, इस टाइप का रास्ता है इधर, और वहां दिख रहा है जोगी जाट। अब आ गए हैं तो जाना तो पड़ेगा, बारिश हो रही है, हल्की बहुत तो बारिश हो ही रही है, अभी घर जाने तक शायद बारिश बढ़ जाएगी आज। एक छोटा सा धर्मशाला टाइप भी बनाया गया है यहाँ, रास्ता आप देख सकते हैं सही है। ये सामने पे है जोगी जाट, देखते हैं कैसा है क्या है, मैं तो पहली बार आ रहा हूं इधर। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जोगी जाट, और ये जगह जो है गंगोली हाट से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है किमटा गांव से पहले पहले, और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको लगेगा 10-15 मिनट लग जाएंगे बाइक से या गाड़ी से, उसके बाद 5 से 10 मिनट लगेंगे पैदल खड़ी चढ़ाई में। और इधर बहुत अच्छी लोकेशन है, ये पीछे जो है पूरा ये जोगी जाट बोलते हैं इसको, और पता नहीं किस वजह से बोलते हैं इधर जोगी जाट। इस जगह का नाम जोगी जाट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये पीछे आपको जटाएं दिख रही होंगी ना, ये अच्छा जोगी की जैसी जटाएं लगती है, यानी कि ऋषि मुनियों की जैसी जटाएं लगती है, तो इसलिए यहाँ पर शिवालय बनाया गया और इस जगह का नाम रखा गया जोगी जाट। अच्छा, पानी गिरता है जो जटाओं से? ये पानी गिर रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत मस्त जगह है।
और पूरा अंधेरा हो रखा है अंदर को। जटाएं टाइप की बनी है और उनसे पानी गिर रहा है। सो गए, जो आप ऊपर से देख पा रहे होंगे जटाएं टाइप की बनी है और वहां से लगातार पानी गिर रहा है नीचे। पूरे इलाके में ऐसे ही पानी गिर रहा है जटाओं से, ये देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर किसी ने गागरी लगाई है, आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी गिर रहा है। और इस पानी को गंगा जल भी माना जाता है, लोग घरों में इसका यूज करते हैं पूजा अर्चना के लिए और यहाँ से गंगा जल भर के ले जाते हैं। ये गगरी शायद यहाँ पे लगे रहती होगी, ऐसा कुछ व्यू है इधर का। ऊपर से पूरा पानी आ रहा है और ठीक इन जटाओं के नीचे इधर पानी से ठीक यहाँ पर एक मंदिर है, शिवालय बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक शिवालय बना हुआ है और यहाँ बहुत लोग आते हैं माघ के महीने में, तो स्पेशली बहुत सारे लोग इधर आते रहते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है और यहाँ से नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, काफी सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से ठीक सामने है सुनियुणा। आज तो हम लोगों ने जूते उतार लिए हैं और पहले अपने आप को थोड़ा गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम लोग ऊपर मंदिर में। यहाँ पर ये है इसके साइड्स का व्यू, ये है यहाँ का मंदिर। और यहाँ पर शायद सुबह सुबह कोई पंडित जी आते होंगे तो यहाँ पर पूरा टीका चंदन रखा हुआ है, तो हम लोग टीका चंदन करके ही जाएंगे यहाँ से। सो गाइज, अभी बारिश भी होने लगी है बहुत सारी और यहाँ तो ऊपर से वैसे भी बहुत सारा पानी आ रहा है, तो हम लोग अभी निकलना चाह रहे हैं यहाँ से, तो अभी निकलने का टाइम हो रहा है। गाइज, ये जो जगह है ये घर के इतने पास है, लेकिन आज तक मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे ये ऐसी भी जगह है। एकदम नेचुरल, बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ के, और ऑसम जगह है, आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। शायद गंगोली हाट वगैरह से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोग नहीं आए होंगे यहाँ, क्योंकि लोकल के ही लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं शायद। और बहुत अच्छी जगह है, और स्नेहा ने यहाँ आने का जो आज आइडिया दिया बहुत ऑसम आइडिया था, क्योंकि मौसम ऐसा था कि कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे और नज़दीक में यहाँ इतनी अच्छी लोकेशन हमने एक्सप्लोर करी आज, बहुत मज़ा आ गया यहाँ आके। और जो इधर पानी आ रहा है ऊपर से, शायद वीडियो में ना दिख रहा हो, लेकिन पूरा इस पूरे इलाके में ऐसे पानी गिर रहा है। और वो पानी जो है कोई भी महीना हो, ठंड हो, गर्मियाँ हो, कभी भी ये पानी सूखता नहीं है, ये पानी आता रहता है यहाँ हमेशा। ये ऊपर साइड पूरा पहाड़ है और पूरा अंधेरा सा हो रहा है इसके पीछे, और यहाँ एक पहाड़ है, यहीं से आ रही हैं जटाएं टाइप और उनसे पानी गिर रहा है, कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है नीचे। जहाँ पर गागरी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी वहीं पर गिर रहा है। अभी हम लोगों को जाना है वहाँ पर, रोड है और वहाँ तक जाएंगे हम लोग पैदल। ये पैदल रास्ता है, रास्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का रास्ता है, झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े और उनके बीच से ही हल्का हल्का रास्ता बनाया गया है। निकलते हैं हम लोग इस जगह से, बम बम भोले। और स्नेहा ने फिर से पूरा सॉल वॉल ओढ़ दिया है क्योंकि ये भीग भी गई है काफी यहाँ पर, और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए।
सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये ऊपर बड़ा पहाड़ है, इस साइड भी बड़ा पहाड़ है, यहाँ पूरा जंगल है ऊपर को, ये नीचे तक, फिर यहाँ से रोड है आगे। ये वाला जो पेड़ है इसको पहाड़ों में बोलते हैं बाइसिंग, और ये पहाड़ों में हर जगह आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल गया है ये पहाड़ों में, और पता नहीं बाहर को होता है नहीं होता है। अगर आप लोगों के यहाँ ये वाला पेड़ होता है तो प्लीज़ कमेंट करो और बताओ आपके यहाँ इस पेड़ को क्या बोलते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आग जलाई थी कुछ लोगों ने, जो ग्वाला आए थे उन्होंने, ये ढूंढने गए आग यहाँ पर। देखो आग तो है नहीं, है यहाँ पर आग? आग नहीं है लेकिन कोयले तो हैं हल्के हल्के ना, उनसे थोड़ा गर्माहट सी मिलती है। अच्छा, आग बहुत दर्द कर रहा है कसम से। ये इन लोगों ने यहाँ पे सूटे भी खा रखे है। अच्छा, भून के खाते क्या इनको? गाइज अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग ग्वाला आए थे उन्होंने कुछ आग जला रखी थी, तो कोयले तो हैं इसमें, आग नहीं है लेकिन गर्माहट पूरी मिल रही है हाथों को। तो स्नेहा अभी भी कोशिश में लगी है कि इस यहाँ पर आग जला दे, लेकिन लकड़ियाँ है नहीं यहाँ पे सूखी हुई, तो जब तक सूखी लकड़ियाँ भीग गए ना ये देखो, जब तक हम लोग सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे तब तक तो घर पहुँच जाएंगे, इसलिए हम लोग अब थोड़ा हाथ गर्म करके फिर निकलते हैं घर को वापस। यहाँ पर एक पत्थर है, ये देखिए, इसके ऊपर चढ़ते हैं पहले, पूरा डबल बेड जितना पत्थर है एकदम सीधा, और ठीक यहाँ पे हमारी बाइक है नीचे पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर को। और ये जो रास्ता है ये जाता है आगे सुन्यूणा, पहले किमटा आएगा फिर सुन्यूणा और आगे फिर खिरमांडे, और यही रोड आगे चल के सेरा घाट भी निकलती है। चल चल चलते हैं अब, इसको पकड़, मेरे को यहाँ से जाना है, एक कैमरा पकड़, तू उधर ही से जो रास्ता है वहीं से जाना, यहाँ से गिरने का बहुत चांसेस है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ बस, अच्छे से पकड़, वो खुल जाएगा। वो नेहा जा रही है यहाँ से, और मेरा मन कर रहा है मैं जाऊंगा यहाँ से नीचे को, देखते हैं कोशिश करते हैं, गिर गए तो सीधे रोड में पहुंचेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ से जाने का। नहीं गिरूंगा, आ जाऊंगा रे, एक हाथ से मोबाइल भी कैरी कर रहा हूँ, देख एक ही हाथ से आ रहा हूँ। ये फाइनली पहुंच गए हैं रोड में, अब चलते हैं यहाँ से, ज्यादा देर नहीं करते। अब जा रहे हैं हम लोग वापस, इनके पास तो टोपी भी है, नेक वार्मर भी है, तो तेरे पास भी तो शॉल है। मेरे पास शॉल है लेकिन वो अच्छे से कैरी नहीं कर पा रही मैं, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड भी लग गई है, मेरा हाथ स्वेटर का जो बाजू है वो पूरा भीग गया है। स्टार्ट करो, जल्दी से निकलते हैं। ज्यादा ठंड लग रही है, हम लोग हेलमेट नहीं लाए क्योंकि हमने सोचा पास में ही है, हेलमेट नहीं लेके जाते, बट वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रही क्योंकि ठंड से बचने के लिए काम आती है एटलीस्ट हेलमेट। इनके पास तो टोपी है, मेरे पास वो भी नहीं है,
और दिन कभी ये टोपी नहीं पहनती, चालाक बहुत ज्यादा है। आज इन्होंने टोपी पहनी है गर्म वाली, और दिन पहनते हैं कैप। और मुझे कुछ सजेस्ट नहीं किया ऐसा कि टोपी पहन अगर हेलमेट नहीं है तो। हम लोग पहुंच गए हैं राधुगढ़, और ये देखिए वो बड़ा पत्थर जिसमें हम चढ़े थे पहले। हम लोग हो आए हैं सुबह सुबह मंदिर यानी जोगीजट, और मजा आ गया वहां जाके। इतनी अच्छी लोकेशन स्नेहा ने आज तक छिपा के रखी थी। लास्ट पिथौरागढ़ जाते टाइम ये लोकेशन हमको मिली है। कल परसों अगर मौसम ठीक रहा तो हम लोग पिथौरागढ़ निकलेंगे और फिर वहीं से करेंगे कुछ और जगहों की एक्सप्लोरिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल रास्ते में ऊपर को। असली चढ़ाई यहीं से लगती है घर तक पहुँचने में। जब से हम यहाँ से निकले और यहाँ पहुँचने तक अभी तक हल्की हल्की बारिश हो रही है, और भीग नहीं रहे हम लोग, भीगे नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, फील हो रहा है, मुंह पे लग रहा है बारिश की छोटी छोटी बूंदें। थक गई क्या? नहीं, मेरे हाथ में ये पानी से भीग गया था ना वहाँ, इसलिए थोड़ा मुझे ठंड लग रही है, अदरवाइज सब बढ़िया। तो पहुंच चुके हैं हम लोग घर पर।